हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइज में आप सभी का स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण का नया चैप्टर कर रहे हैं, विच इज सर्वनाम। सो सर्वनाम को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहते हैं। सो इसकी परिभाषा देख लेते हैं एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज हम सर्वनाम को पूरा अच्छे से प्रॉपर करेंगे। अगर आप सर्वनाम कंप्लीटली पढ़ते हो बिना स्किप किए तो स्टूडेंट, सर्वनाम से आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे या सिले मिस्टेक करके आओगे, ऐसा भी नहीं होगा। सो कंप्लीट वीडियो देखना एंड चलो आप शुरू करते हैं। सो सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, हम, वे, आप, ये सभी शब्द क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। ये बना है सर्व और नाम को जोड़ के, यानी कि ये सबके नाम होते हैं। इसमें हम किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं बता रहे होते, बल्कि उन्हें बताने के लिए कि हम उनका नाम ना ले, उसके बजाय हम बोलते ना कि तुम, वे, वह, यह, हम ये सब बोलते हैं ना। तो यानी कि हम उस पर्सन का नाम नहीं ले रहे, हम बस बोल रहे हैं कि वह लड़का, वह आदमी, यह लड़का, यह कॉपी। तो ये सब मैं क्या बोल रही हूँ? सर्वनाम लगा रही हूँ संज्ञा का इस्तेमाल ना करते हुए, यानी कि संज्ञा की जगह पर मैंने क्या बोल दिया? सर्वनाम शब्द लगा दिया। अब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको हम पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं इंग्लिश में। जो पुरुषों के नाम के बदले आते हैं, यानी कि जो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले जो शब्द आते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम भी आपकी 3 प्रकार की होती है। इसमें आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, बस ये याद रखना कि यहाँ पे जो व्यक्ति है उसकी जगह पे, जैसे कि मेल और फीमेल होता है, पुरुष या स्त्री है, उसकी जगह पे जो हम शब्द यूज कर देते हैं, जैसे कि यह, वह, मैं, हम, तुम, ये सब है। इसमें ना 3 प्रकार एक तरह से हो जाते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या फिर अन्य पुरुष। तो उत्तम जो वक्ता होते हैं बोलने वाले या फिर जो लेखक होते हैं लिखने वाले, उसके लिए हम उत्तम पुरुष यूज करते हैं और हम खुद के लिए भी उत्तम पुरुष का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग हमारी बात को सुन रहे होते हैं, यानी कि हम किसी और को सुना रहे हैं, अब किसी और को हम तुम करके बोलेंगे, तुम, तुम्हारा, आप, इस टाइप से, तो ये मध्यम पुरुष हो जाते हैं। बाकी इसके अलावा जो भी शब्द बचते हैं उसे हम अन्य पुरुष में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है उत्तम, मध्यम, अन्य। बस आपको ये याद करना है कि पुरुषवाचक में कौन से शब्द आते हैं। तो वो शब्द हो गए मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझ, मुझको, तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको, वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको। मतलब जो हम चीजों के लिए एक तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो यहाँ पे आ गया अन्य में। मध्यम में जब हम किसी और को, किसी और से बात कर रहे होते हैं तो हम उसको जब कुछ उसका नाम नहीं बोलना चाहते, ऐसी कुछ भी बोलना चाह रहे। और उत्तम में हो जाता है ये, सोच लो अपना खुद को उत्तम मानते हो कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूं, और उत्तम का मतलब अच्छा होता है, गुड होता है। तो आप ये मान सकते हो कि मैं अपने लिए यूज कर रहा हूं, तो इसमें जितने भी वर्ड्स हम खुद के लिए यूज करते हैं तो वो सब उत्तम में आ जाते हैं। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट भेद पे। तो हमारा नेक्स्ट भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है इंग्लिश के अंदर। ये हमें जो हमारे पास में चीजें हैं और जो हमारे दूर रखी हुई हैं चीजें, वो जो निश्चित अपनी जगह पे है ना, कि हमें देख के पता चल रहा है कि ठीक है वो वहां पे खड़ा है, यानी कि कुछ निकट चीजें हैं जो और जो कुछ दूर है, तो हम उनके लिए निश्चयवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। व्यक्ति भी हो सकते हैं या कोई चीजें भी हो सकती है। और इसमें आपके आते हैं यह, वह, ये, वे, ऐसे शब्द आते हैं। जैसे कि यह मेरी पुस्तक है। अब यह मेरी पुस्तक है तो कोई पुस्तक मेरे आसपास पड़ी होगी तभी मैंने बोला कि यह मेरी पुस्तक है। ये मेरे हथियार है, कुछ हथियार आसपास होंगे इसलिए हम बोल रहे हैं कि यह हमारे हथियार है। वह उनकी इमेज है। अब कोई इमेज रखी होगी तो हम बता रहे हैं कि हमारी नहीं है, किसी और की है। तो जब कोई चीज पास में होती है या हम दूरी पे कोई चीज है, जैसे कि वह दूर खड़ी है तो मैं वह शब्द लगा रही हूँ ना, वो दूर खड़ी है, वो कहाँ पे खड़ी है? मेरे से बहुत दूर खड़ी है, लेकिन मैं उसको देख सकती हूँ। तो बस ये समझो कि निश्चयवाचक सर्वनाम वो होता है जहाँ पे कि कोई चीज आपके पास भी है और अगर दूर है तो आप उसको देख सकते हो, या फिर अगर आप किसी को डिक्टेट कर रहे हो, किसी को बता रहे हो, तो वो समझ जाएगा कि हम किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो वो हो जाती है आपकी निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम अंतर देख लेते हैं पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर क्या है, क्योंकि अभी आपने देखा कि पुरुषवाचक में भी हम कई बार यह यूज कर देते हैं और निश्चयवाचक में भी कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखिए, यह पढ़ता है, वह बहुत खेलता है, ये हमेशा पढ़ते रहते हैं, वे मुझे बुला रहे हैं। यहाँ पे हमारे कौन से शब्द आ रहे हैं? यह, वह, ये, वे। अब निश्चयवाचक में भी देखिए, यह मेरी बेटी है, वह माधुरी की पुस्तक है, ये हमारे टीम के सदस्य है, वे हमारे कॉलेज की छात्रा है। अब ना पुरुषवाचक में भी आपने देखा यह, वह का इस्तेमाल हो रहा है, निश्चयवाचक में भी यहाँ पे यह और वह का इस्तेमाल हो रहा है। पर निश्चय में मैंने ये देखा कि यहाँ पे ऐसे शब्द आ रहे हैं जो कि मुझे बता रहे हैं कि ये मेरे बहुत पास है या फिर बहुत दूर है। जैसे कि मेरी, तो मेरी बेटी है, यानी कि यहाँ से कंप्लीटली पता चल रहा है कि हाँ भाई ये तो मेरी ही बेटी है, मेरे बहुत करीब है। यहाँ पे हमारी निकटता के बारे में बात हो रही है, ये हमारे टीम के सदस्य है, हमारे है, यानी कि हमारे पास की बात हो रही है। माधुरी की पुस्तक है, माधुरी कहीं भी हो दूर के लिए भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पर पुस्तक किसकी है? माधुरी की है। वो लड़की हमारे पास भी आसपास भी खड़ी हो सकती है या फिर दूर भी हो सकती है, लेकिन जो हम दूसरों को बता रहे हैं तो उसे पता है कि माधुरी कौन है और हम किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। और पुरुषवाचक में हमने सीधा किसी पर्सन का नाम ना लेते हुए यह, वह का इस्तेमाल किया है। और निश्चयवाचक में हमें पता चल पा रहा है कि ठीक है यहाँ पे ये किस चीज का संकेत करे, या तो दूरी पे है या फिर पास में है। और निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, यानी कि हमें बता रहे होते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ है, दूर है, पास है, इस टाइप में।
अब आता है हमारा तीसरा भेद, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसको हम इंग्लिश में इंडेफिनिट प्रोनाउन भी कहते हैं। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें आपको जनरली जो शब्द मिलेंगे वो मिलेगा कोई, कुछ, कभी, इस टाइप के आपको शब्द देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें कि हमें पता चल रहा है कि कोई भी बात निश्चित नहीं है, बस हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कोई चीज कंफर्म नहीं है कि है या नहीं है या फिर होगी या नहीं होगी, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप सेंटेंसेस देखिए, वाक्य को देखिए, कोई आ गया तो क्या करोगे, कोई आ रहा है, अब कौन आएगा हमें नहीं पता, हम बस प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उसने कुछ नहीं लिया, उसने कुछ भी नहीं लिया, यानी कि कुछ में भी बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें से उसने कुछ नहीं लिया होगा, तो यानी कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, हम बस प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ठीक है, हमें कुछ कंफर्म नहीं है कि उसने कौन सी चीज नहीं ली, हमने बोला उसने कुछ भी नहीं लिया, वहां पर बहुत सारी चीजें होगी, अभी बहुत सारी चीजें कौन सी थी ये तो मुझे नहीं पता ना, तो यहाँ पे इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ रही है। कभी कभी शब्द समूह भी अनिश्चय सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, सब कुछ, हर कोई, कुछ भी, कुछ कुछ, मतलब बस ये याद रखो जिसमें कि हमारे प्रेडिक्शन रहती है, कोई चीज कंफर्म नहीं होती, वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंधित संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जब हम किसी दूसरी संज्ञा के साथ या दूसरे किसी सर्वनाम के साथ ही हम जब कुछ ना कुछ रिलेशन दिखा रहे होते हैं तब हमारा ये यूज होता है। जैसे कि इसमें आपके एग्जांपल हो जाएंगे जो सो, जैसे वैसे, या फिर जैसे तैसे, इस टाइप से हम बोलते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा और वैसा ये संबंधवाचक सर्वनाम है, दोनों सर्वनाम है पर ये दोनों संबंध दिखा रहे हैं। किसके साथ? जैसा करोगे और वैसा भरोगे, तो ये क्रिया के साथ दिखा रहे हैं, राइट। तो जो दूसरों के साथ कुछ ना कुछ संबंध दिखाते हुए आएंगे ना सर्वनाम, वो हमारे हो जाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है, अब जो धरती पे आया है उसकी मृत्यु भी कंफर्म है, तो यहाँ पे जो सो क्या हो गए, आपके सर्वनाम हो गए। अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये होता है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसमें जब भी हम किसी भी कोई भी प्रश्न आ रहा है या फिर प्रश्नवाचक का आपको चिन्ह दिख जाता है तो वो सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम वहां पे यूज हो रही है। एंड इसमें जनरली आपके जैसे इंग्लिश में WH फैमिली होती है, इसमें आपके क से जो भी क्वेश्चनिंग वर्ड्स होते हैं वो वाली फैमिली आ जाती है, जैसे कि कौन, क्या, किस लिए, किसको, किन्हें, कहां, ये सभी आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है। एग्जाम्पल में कौन आया था, दूध में क्या गिर पड़ा, वह क्या कह रहा था, तुम कहां गई थी, तो ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है जो ये क से शब्द स्टार्ट हो रहे हैं। फिर आता है आपका लास्ट भेद, ये है आपका निजवाचक सर्वनाम, इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम जो शब्द अपने आप के लिए यूज करते हैं ना, मैक्सिमम जो हम अपने यानी कि अपने निजी काम के लिए अपने अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारे शब्द आपके निजवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। जैसे कि यह कार्य मैं आप कर लूंगा, यानी कि यह कार्य मैं अपने आप कर लूंगी, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है, तुम हेल्प मत करो, तुम अपने आप खा लेना, तुम खाना अपने आप खा लेना, मैं खिलाने नहीं आऊंगी या फिर मैं खाना नहीं बना के जा रही, तो यानी कि यहाँ पे वो सर्वनाम हो जाते हैं जिसमें कि हम स्वयं यानी कि खुद के लिए कुछ कर रहे हैं, खुद के लिए जब हम इसको यूज करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम ना सर्वनाम को एक नजर में देख लेते हैं जो भी हमने अब तक पढ़ा है। सो पुरुषवाचक में जब हम खुद के लिए बात करेंगे तो वो उत्तम पुरुष होगा, जैसे कि मैं, हम लोग, जब भी खुद के लिए बात हो रही है। फिर मध्यम पुरुष में जब हम दूसरों से बात करें तो हम दूसरों कैसे बोलते हैं, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, इस टाइप में ही आ जाएंगे मध्यम पुरुष में। अन्य पुरुष जब हम चीजों के लिए यूज करेंगे तो यह, ये, वह, वे, ये, वो, इस टाइप में आ जाएगा। निश्चयवाचक में जब भी कोई चीजें पास होंगी तो हम यह या फिर ये करके बोलेंगे, और कोई चीज जब दूर है तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे वह, वे, हम बोलते ना वे दूर के रिश्तेदार आने वाले हैं, या तो मेरी मम्मी की बहन है तो अब कोई मम्मी की बहन पास में खड़ी है, या तो मेरी मौसिया, इस टाइप से। तो जब कोई पास की चीज है तो हम यह बोल रहे हैं, जब हम दूर के बारे में बात करें तो वह बोलेंगे। अनिश्चयवाचक में जब भी कोई प्राणी यानी किसी भी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं या जिस भी चीज में कोई लिविंग थिंग है या उसमें प्राण है तो हम कोई का इस्तेमाल करेंगे, एंड कोई भी वस्तु या धातु है तो हम कुछ का इस्तेमाल करेंगे। अनिश्चयवाचक में याद रखना है इसमें कोई भी चीज कंफर्म नहीं होती, हम बस प्रिडिक्ट करते हैं, यहाँ पे अनश्योरिटी रहती है। निश्चयवाचक में श्योरिटी है कि ओके ये चीज है एंड ये चीज होगी, कंफर्म है। अनिश्चयवाचक में कोई भी चीज कंफर्म नहीं होती है। संबंधवाचक में जो आपका संबंध दिखा रहे हैं दूसरी क्रियाओं या संज्ञा के साथ, तो जैसे कि जो सो, जैसा वैसा, ये सब क्या है, आपके संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, एंड निजवाचक में जब हम खुद के लिए बात कर रहे हैं जैसे कि आप, अपने, अपने आप, स्वतः, स्वयं, खुद। स्टूडेंट्स अपना लास्ट में सर्वनाम अगर कंप्लीट होने वाला है, बस आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि जब भी जो सर्वनाम शब्द होंगे अगर वो अकेले आते हैं तो वो सर्वनाम है, लेकिन जब वो किसी संज्ञा के साथ आ रहे हैं ना तब वो विशेषण बन जाते हैं। जैसे कि देखिए यह आ गई, ये सेंटेंस है, अब यहाँ पे ये जो यह शब्द है ये सर्वनाम है क्योंकि इससे कोई भी सर्वनाम, कोई भी संज्ञा नहीं आ रही। लेकिन अब दूसरा सेंटेंस देखो, यह किताब कैसी है, तो यहाँ पे मैं यह किसके लिए यूज कर रही हूँ, किताब के लिए, तो ये इसकी विशेषता बता रहे, विशेषण हो गया। तो इसलिए यहाँ पे यह का उपयोग हम किस उसमें कर रहे हैं, विशेषण के रूप में भी कर रहे हैं। तो बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए ताकि अगर आपसे कभी पूछे तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे सेंटेंस में ये विशेषण कौन सा है, आप गलती करके कुछ और मत डाल देना, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब आते हैं सर्वनाम के कुछ विकारी रूप भी हैं, जैसे कि विकारी रूप मैं से बन गया मैंने, मुझसे बन गया मुझको, या फिर मुझसे, हमसे बन गया हमने, हमको, हमसे, मैं से मेरा बन रहा है, हमसे हमारा भी बन गया, उससे उसने, उसको, तुमसे तुमने, तुमको, आपसे आपने बन गया, आपको बन गया,
तुमसे तुझे बन गया, तुम्हारा बन रहा है, तुमसे इससे इसने इसको, और किसे जब हम यूज करते हैं, किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं प्रश्नवाचक में, तो इसका बन जाता है किसको। तो ऐसे ना हम जब कुछ भी शब्द को जोड़ देते हैं और तो जब परिवर्तन हो जाता है, तो ये सब ये कुछ ऐसे शब्द थे जिनका कि परिवर्तन करने के बाद भी ये सर्वनाम में इस्तेमाल होते हैं। सो होपफुली आपको पसंद आई होगी वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आपको इस पूरे चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे एंड प्रैक्टिस शीट आपको कल अवेलेबल हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय बाय, एंड जल्दी से जल्दी प्रेस कर दो बेल आइकन को।